بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم I am Kanis Sayeda from Behria College Majid EAB 1 I am your Urdu teacher Jamaat Haftum Chapter 1 Lecture 1 अज़ीज़ तलबा व तालबात, हम जमात हफ्तों के पहले चैप्टर से लेक्चर वन से अपना आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर नज़म हम्द है। यकीनन आप सब जानते हैं कि हम किसे कहते हैं। जी हाँ, हम्द उस नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। अल्लाह ताला की जिससे इंसान को बेशुमार अनगिनत अल्लाह महदूद नेमतों से नवाजा है, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अजीज तालबात, अपनी किताबें खोलें और नज़म हम्द निकालिए। सबसे पहले नज़म हम्द को पढ़ लीजिए, इसकी बुलंद खानी कर लें, फिर अपनी कॉपी पे इंडेक्स बना लें और टाइटल पेज बनाने के बाद नज़म हम्द को खुशखत नीट एंड क्लीन कॉपी पे तहरीर कर लें। उसके बाद हम मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ आते हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने, पी यानी पपीहा एक छोटा सा परिंदा है जो सुरीली आवाज में पी पी बोलता है। जब मौसम बरसात आता है तो इसकी आवाज़ें दिलों को और खुशी और सरूर बख्शती हैं। तराना यानी गीत नगमा। चमन से मुराद है बाग, सहरा, बयाबान, रेगिस्तान। फलक आसमान, गुलशन बाग। लुभाना माये करना, दिल को खुश करना। हरास से मुराद है खौफ, डर। नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, अल्फाज मायने के बाद अब हम तशरीह की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले असलाहत शायरी की वजाहत कर दूं। वो अल्फाज जो बार बार दोहराए जाएं रदीफ कहलाते हैं, जैसे शेर नंबर एक में दोनों मिसरों में लास किसने इस्तेमाल हुआ है, यानी पहले मिसरे में भी लास्ट में वर्ड किसने और दूसरे मिसरे में भी के लास्ट में भी लफ्ज़ किसने इस्तेमाल हुआ है, ये रदीफ कहलाते हैं, यानी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज जो शेर की हुस्न जमाल में इजाफा करते हैं। काफिया यानी हम आवाज अल्फाज बनाए बहाए, ये अल्फाज इस शेर में आए हैं। ये हम आवाज अल्फाज हैं जो काफिया कहलाते हैं, ये रदीफ से पहले आते हैं और किसी भी शेर के लिए काफिया ज़रूरी है लेकिन रदीफ ज़रूरी नहीं है। शेर नंबर एक, ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने, ये बलखाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। नज़म हम्द में शायर हफीज़ुर रहमान अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करें। प्यारे बच्चों, शायर इस शेर में हम सब से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि ये सरजमीन जिस पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये खुले मैदान, हरियाली और सब्ज़ा, और इस पर लहलहाते खेत और ताहद नज़र दिखाई देने वाला सहरा और बयाबान यानी रेगिस्तान, यहाँ रेत ही रेत होती है, और ठाटे मारते और पल खाते यानी रास्ते बनाते हुए दरिया और समंदर, ये जारी चश्मे, बताइए भला किसने बनाए हैं, इनका खालिक कौन है, किसके हुक्म से ये वजूद में आए हैं, और बतलाओ ये दरिया और समंदर किसके हुक्म से जारी सारी हैं, यकीनन
वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ही है जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। नेक्स्ट शेर नंबर दो, ये गुलशन में फूलों की रंगीन कतारें, बिखेरी हैं किसने चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। गुलशन यानी बाग, रंगीन कतारें खूबसूरत रंग बरंगे फूलों के तरतीब पर सिलसिले, बिखेरी हैं यानी हर तरफ फैली हुई हैं, बहारें यानी रौनकें। प्यारे बच्चों, शायर दूसरे शेर में ज़मीन पर हुस्न व शादाबी बिखेरते हुए बागों और रंग बरंगे तरतीब दिए हुए खूबसूरत फूलों की तरफ मुतवज्जह कर रहा है और कह रहा है कि रंग बरंगे अनवाह अकसाम के फूलों की जो कतारें हमें बागों में दिखाई दे रही हैं, उनको रानाई और हुस्न व शादाबी अता करने वाला और उन्हें रौनकें बख्शने वाला ज़रा गौर तो करो कि कौन है। यकीनन वो हमारा खुदा है, हमारा खुदा है। जब मौसम बहार आता है ना, तो हर तरफ सब्ज़ा और हरियाली, रंगीन और खुशनुमा फूल नज़र आते हैं। ये ताहद नज़र सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पर बिछी नज़र आती है, इंसान हैवान चरिंद परिंद खुशी से सरशार झूमते हुए दिखाई देते हैं और खुशी के गीत गा रहे हैं। हर तरफ ये रौनकें, ये बहारें भला किसने बखेर दी हैं, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। नेक्स्ट शेर नंबर तीन, ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। स्याही के पर्दे से मुराद रात की तारीकी है। प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर आसमान की तरफ मुतवज्जह कर रहा है। रात की स्याह तारीकी में आसमान पर नमूदार होने वाला चांद, जिसकी मधम रोशनी ठंडक का बायस बनती है, इस तारीकी में दिलों में सुकून उतारती है। गौर फिक्र तो करो कि इसको किसने खल किया है, और सूरज जो तमाम कायनात को रोशन करने वाला हरारत और कुदरती रोशनी का मंबा, जिससे सब फ़ायदा उठा रहे हैं, जो अपने वक्त पे मशरिक से तलू होता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, किसने इन सब को बनाया। प्यारे बच्चों, जब सूरज तलू होता है तो पूरी कायनात रोशन हो जाती है और तारीकी का पर्दा चाक हो जाता है। ये सारा निज़ाम किसके हुक्म से जारी है, सारी है। कौन है जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है? यकीनन हमारा खुदा है, हमारा खुदा है। नेक्स्ट शेर नंबर चार, सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। सजाए यानी खूबसूरती बख्शी, फलक आसमान, लुभाए यानी मायल करना, दिल को खुश करना, शब से मुराद रात। इस शेर में शायर आसमान की सजावट की तरफ मतवज्जा कर रहा है। आसमान जिसको खुदा ने हमारे लिए साईबान बनाया और उसको चांद और सितारों से जीनत यानी सजावट बख्शी, जो हमारे दिलों में सुकून उतार रही है। प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें हमें दरहकीकत रब कायनात तमाम जहानों के पालने वाले की तरफ मतवज्जा कर रही हैं। जो कायनात का खालिक यानी बनाने वाला है, वो हमारा खुदा है, हमारा खुदा है। नेक्स्ट